प्रेरणा कथा, बेजुबान सहयोग। उषा अपने बच्चों के साथ स्लीपर कोच में कलकत्ता से चेन्नई की यात्रा कर रही थी। उसका बेटा 9 बरस का था और बेटी 2 बरस की। उसी डिब्बे में उनके साथ एक फुटबॉल के खिलाड़ियों की टीम भी यात्रा कर रही थी। उषा ने उन खिलाड़ियों को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि वो 12 खिलाड़ी गूंगे और बहरे थे। उषा का बेटा सबसे ऊपर की बर्थ पर था, जबकि उषा और उसकी बेटी नीचे वाली बर्थ पर थे। उषा के सर में बहुत तीक्ष्ण दर्द हो रहा था और वो सो भी नहीं सक रही थी। अचानक मध्यरात्रि के आसपास उसने अनुभव किया कि उसका बेटा ऊपर की बर्थ से नीचे की तरफ फिसल रहा था। वो गिरने ही वाला था कि उषा ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और सहयोग के लिए चिल्लाई। एक क्षण में ही बहुत से हाथों ने उसके बेटे को पकड़ लिया। पूरी फुटबॉल की टीम ही उस बच्चे को बचाने आ गई। उषा आज भी हैरान होती है कि उन्होंने कैसे उसके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। तुरंत ही उनमें से एक ने एक लंबी डोरी निकाल ली और एक ने उसके सोए हुए बेटे को उठाए रखा। कुछ लड़के ऊपर बर्थ पर चढ़ गए और उन्होंने उस डोरी को बर्थ के चारों तरफ इस तरह से बांध दिया कि एक प्रकार की रक्षा दीवार बन गई। उन्होंने एक प्रकार का काम चलाऊ पालना बना दिया था। डोरी से बनी सुरक्षा दीवारों के बीच उसका बेटा अपनी ऊपर वाली बर्थ पर रात भर बड़े आराम से सोया रहा। अचानक उन फुटबॉल के खिलाड़ियों को ना जाने कैसे यह आभास हुआ कि उषा को सर में दर्द हो रहा था। उन्होंने उसकी छोटी बेटी को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगे। उषा चैन से अपनी बर्थ पर सो गई। उषा उनकी उदारता देखकर बहुत ही आराम थी। उसने उन गूंगे बहरे खिलाड़ियों को ट्रेन से उतरने से पहले धन्यवाद कहा और उनके फुटबॉल मैच के लिए शुभकामनाएं दी। परंतु वो ये नहीं समझ पाई थी कि उनको कैसे आभास हुआ था कि उषा को सहायता चाहिए थी, और वो ये कैसे जान गए थे कि उषा के सर में दर्द हो रहा था। मित्रों, प्रभु के खेल भी निराले ही होते हैं। बहुत से लोगों को दिव्यांग बना देता है, परंतु उन लोगों के पास कुछ ऐसी अन्य योग्यताएं आ जाती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। आपने भी देखा होगा कि जिनकी आंखें नहीं होती वैसे बच्चे ज्यादातर बहुत अच्छा गाते हैं। जो गूंगे बहरे होते हैं उनको प्रभु कुछ और क्षमताएं दे देते हैं। दिव्यांगों का हमेशा आदर किया कीजिए और उनको कभी भी हे दृष्टि से मत देखा कीजिए। आपको भी तो कोई अदृश्य शक्ति सदैव देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।